मनी गुरु, मैं हूँ स्वाति रायना। मनी गुरु में आज का ये एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि आज है पहली अप्रैल। पहली अप्रैल से हमारा मतलब अप्रैल फूल डे से नहीं है बल्कि वित्त वर्ष के पहले दिन से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर उभरे। इसलिए हम मनी गुरु में आज आपके लिए खास तौर पर इन्वेस्टमेंट स्पेशल लेकर आए हैं। कैसे आप स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप एक पोर्टफोलियो नए तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से कई बदलाव अब शुरू हो जाएंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है उसके इंटरेस्ट रेट घट गए हैं, उसके तहत अब आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा कमाई आपके पास आपकी जेब में हो, इस पर आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाए, इस पर आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है विश्वजीत पराशर, सीनियर वीपीएन ग्रुप हेड मार्केटिंग बजाज कैपिटल। विश्वजीत, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज इस बेहद ही खास एपिसोड में। ऑलराइट, आप में से कई जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे उनके मन में सवाल होगा कि अब पोर्टफोलियो प्लानिंग की जाए, या जिन्होंने पोर्टफोलियो प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है उसको आखिरकार कैसे बदला जाए जिससे कि आपका जो आने वाला साल है, नया वित्त वर्ष है, वो बेटर ढंग से आगे बढ़े। तो सबसे पहले विश्वजीत, अगर हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं और उन लोगों के लिए खासतौर पर जिन्होंने अब तक अपने लिए पोर्टफोलियो डिजाइन ही नहीं किया है, तो आज वो हमारा शो देखकर किस तरीके से आगे बढ़े, क्या बेबी स्टेप्स वो ले जिससे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो उनका बने। जी बिल्कुल स्वाति, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन डाउट दिमाग में रहता है कि कैसे अपना प्लानिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स में जाएं तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट से पहले भी बीमा आता है, इंश्योरेंस आता है, क्योंकि हमने देखा है कई बार कुछ अनफॉर्सीन इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं लाइफ में जिसकी वजह से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, जितने भी आपने सेविंग करी है, लाइफ टाइम सेविंग है, वो उड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मेडिक्लेम लें, उचित मेडिक्लेम लें ताकि कम ना हो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आपकी सारी सेविंग्स उड़ सकती है। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से लाइफ के कोई अनफोर्सीन एपिसोड्स होते हैं, अगर आप अपने घर के ब्रेड अर्नर हैं और अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा, ये सोचते हुए आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। जो मेरे हिसाब से जो थंब रूल हम फॉलो करते हैं कि जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 times आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो यहाँ ये तो हुआ बेसिक, अब सबसे उसके बाद शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले देखा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कि लोग अपने गोल्स डिफाइन नहीं करते हैं, माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हाँ बच्चों के लिए जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए भी सोचना है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, बट कभी उन गोल्स को क्वांटिफाई नहीं करते। उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर मेरी बेटी आज 6 साल की है तो अगर मुझे उसकी 20 साल बाद शादी करनी है तो मुझे आज से ही सोचना पड़ेगा, गोल डिफाइन करना पड़ेगा। आज अगर मैं शादी करता हूँ अपनी बेटी की तो ये रकम लगती है, लेकिन अगर 20 साल बाद करूँगा महंगाई लगाते हुए, इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए, तो कितनी रकम मुझे चाहिए होगी, ये प्लानिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए और उनको क्वांटिफाई कीजिए। जब आपके गोल्स डिफाइन हो जाते हैं उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं कि आपको कितना रुपया आप जोड़ सकते हैं, आपकी एसेट एलोकेशन करेंगे कि कितना जोखिम आप उठा सकते हैं, इक्विटी में डालें कि डेट में डालें। तो वो सेकंड स्टेप पे शुरू होती है और उसके बाद से ही हम SIP शुरू कर सकते हैं या लमसम जो पैसा है उसको निवेश कर सकते हैं। तो ये भी देखा गया है कि इंडिया में लोग जोड़ते हैं, निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज हो जाता है और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाइए, और अब तक अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है तो यकीन मानिए हमारे इस एपिसोड के बाद आप एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। और जो कुछ स्टेप्स बताए हैं शुरुआत उससे कीजिए, मेडिक्लेम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें तो एक गोल अपने लिए जरूर निर्धारित करिए और एसेट एलोकेशन और SIP के जरिए भी आप अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं। लेकिन विश्वजीत, यहाँ पर हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से जो छोटी बचत योजनाएं हैं उसमें ब्याज दरों में बदलाव हुआ, काफी ज्यादा इंटरेस्ट कम हुए। अब एक फैमिली का अगर एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें एक सीनियर सिटीजन भी है, एक मेन अर्निंग मेंबर है, एक उनकी वाइफ है, उनकी छोटी बच्ची है, अगर इस फैमिली को उदाहरण लेकर आगे बढ़ा जाए तो कैसे एक पूरी फैमिली की प्लानिंग आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा कि हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कुछ ऐसी छोटी बचत योजनाएं जैसे कि PPF हो गया, किसान विकास पत्र योजना है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट सेविंग स्कीम्स, NSC, साथ ही जो मंथली इनकम
अकाउंट है उसमें बहुत ज्यादा ब्याज दरों में कटौती की गई है, लगभग 1% तक की कटौती हुई है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब एक फैमिली जिसमें इन तमाम स्कीम्स के तहत अगर सेविंग की जाती रही है अब तक, तो कैसे आगे बढ़ा जाए? जी बिल्कुल, ये एक कटौती है। कुछ लोग, हम लोगों को थोड़ी आदत होती है कि हम एश्योर्ड रिटर्न्स में बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट की गारंटी है तो हमें उसमें ज़्यादा हम निवेश करते हैं। तो आगे आगे चल के ये थोड़ी दरें कम होती रहेंगी, हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है, तो ये चेंज हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को कंसिडर करके ये दरें डिसाइड की जाती हैं, लेकिन इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प मार्केट में हैं जो इससे ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं अगर आप वही, जैसा आपने बोला, स्मार्ट प्लानिंग करें। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को अगर हम लें एज अ विकल्प, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपके जैसी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो पूरे हो सकें। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर लिया कि गर्ल डॉटर की मैरिज प्लानिंग करनी है या एजुकेशन प्लानिंग करनी है, तो आप आज से ही अगर SIP शुरू कर दें, तो मेरे हिसाब से जब आप डॉटर मैरिज का टाइम आएगा तो आपका पास, और हम लेके चलते हैं कि इक्विटी मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म आपका सिनेरियो है, तो करीब 12-15% की रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो कहीं पे कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें आराम से SIP लगाइए और जो भी गोल आपने डिसाइड किया उस टाइम पे आपको वो रकम मिल जाएगी। जहाँ तक कि रेगुलर इनकम की बात है, जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वगैरह में रिटर्न्स मिलती हैं, तो उसमें भी म्यूचुअल फंड्स में बहुत विकल्प हैं। आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके एक ऑप्शन है। सपोज आपके पास 20 लाख रुपया है, आप उसको आज निवेश कर दीजिए, लिक्विड फंड में लाइए, तो आपको बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न आती रहेगी और सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं आप। तो या किसी भी अच्छे फंड में, डेट फंड में निवेश करेंगे, तो उसमें से कुछ रिटर्न्स जो डिविडेंड्स मिलते हैं, वो आपको आप अनाउंस उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हर महीने आपको इतने रिटर्न्स चाहिए। तो 8-9% के हिसाब से हमने चेक किया है कि रिटर्न आराम से आ जाती है, तो वो भी आपका मंथली इनकम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें आपका 80% पैसा डेट में होता है और 20% इक्विटी में होता है, तो वो भी करीब 10-11% के करीब रिटर्न आ जाती है। तो आपके ऐसे आराम से सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। और एक इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में ना जाना चाहें तो कंपनी FDs हैं, AAA-rated कंपनी FDs होती हैं, जिसमें कि हाईएस्ट सेफ्टी होती है, तो 8-9% रिटर्न उसमें भी मिल जाती है, और सीनियर सिटीजन्स को कुछ 5.25% एक्स्ट्रा भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसको अपॉर्चुनिटी समझा जाए, ये ना सोचा जाए कि ये स्कीम्स का ख़त्म हो गई तो अब क्या करें, बल्कि और बेहतरीन स्कीम्स आपका वेट कर रही हैं, अगर आप उसको चेक करें तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। विश्वजीत, ये तो हमने कुछ ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में जाना है, जिसमें जो एक आम तौर पर सेव करना चाहता है कोई भी आदमी, वो ये समझता है कि ये बहुत ही सेफ, हमारा पैसा यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट्स घटी हैं तो उसके बाद मन में ये सवाल भी उठे हैं कि आखिरकार अब क्या करें। आपने बोला म्यूचुअल फंड्स की तरफ या फिर SIPs के तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कितनी ज्यादा अवेयरनेस है, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर SIPs कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का रुख कर रहे हैं? क्योंकि मन में थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि आखिरकार लिंक तो मार्केट से ही है, उतार चढ़ाव हो गया तो आखिरकार पैसा डूब जाएगा, फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, वैसे तो हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, जैसे कि आपने देखा सेविंग अकाउंट में आप ये निवेश कर रहे थे या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कर रहे थे, एकदम से कम हो गया, तो रिस्क तो रहता ही है। बट मेरे हिसाब से ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो, और आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और ऐसे पास्ट रिटर्न्स हमने देखे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि सेविंग स्कीम्स के अलावा और विकल्प नहीं है, आप आराम से प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, कंपनी FDs, बॉन्ड्स, बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं मार्केट में। टैक्स फ्री बॉन्ड्स अभी आए हुए थे पिछले 4-5 महीनों में, जिसमें कि अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आराम से आप प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, तो जितना रिटर्न्स, जितना रिस्क ले रहे हैं उतना रिटर्न्स भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसको ऐसे देखिए कि अगर कोई 5,000 रुपये 30 साल के लिए निवेश करता है, 7% रिटर्न मिलता है, तो उसके पास बनते हैं सिर्फ 62 लाख रुपए। लेकिन अगर वही 5,000 रुपये कोई 30 साल के लिए निवेश करता है और 15% रिटर्न के हिसाब से निवेश करता है, तो उसको बनते हैं 3.5 करोड़ रुपए। तो आप डिफरेंस देखिए कितना बड़ा हो सकता है। तो वो एक साइकोलॉजी है कि हम गारंटेड रिटर्न्स में जाएं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्मार्ट प्लानिंग करके आप ज़्यादा रिटर्न्स भी ले सकते हैं, और सेफ्टी को भी, रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक स्कीम में लगाएं, कई स्कीमों में लगाएंगे तो रिस्क काफ़ी हद तक कंट्रोल
रोल भी किया जा सकता है। वाकई विश्वजीत आपने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया कि ट्रेडिशनल जो सेविंग स्कीम्स है और साथ ही अगर आप एसआईपी करते हो उसी 5000 रुपए की, उसको लेकर आपको रिटर्न आगे आने वाले टाइम में कितना मिल सकता है एज पर जो इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा है। अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए 5000 रुपीज अगर मानिए आपको इन्वेस्ट करना ही है और एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाया जाए, एक एक पर्टिकुलर कोई इंसान है एक्स वाई जेड, वो सोचे कि अब मुझे कुछ ट्रेडिशनल स्कीम्स में भी डालना है और एसआईपी भी करनी है, उसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है उसमें? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, क्या आप रिस्क किस एज ग्रुप में हैं। अगर आप यंग हैं तो आप नेचुरली थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके पास लंबा समय है, लंबी अवधि है, तो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप या एचडीएफसी टॉप 200, ऐसी कई स्कीम्स हैं जहाँ पे आप 2000 रुपये की एसआईपीज आप निवेश कर सकते हैं। और अगर 1000 रुपये अगर आप कुछ सेफ लेना भी चाहें तो आप डेट फंड्स में भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो डिवाइड भी करना चाहें और अगर आपके पास अवधि लंबी है तो म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा विकल्प बन सकता है। 2-3 एसआईपीज, 2-3 म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज अलग अलग तरीके की हम ले सकते हैं और वो पोर्टफोलियो डिवाइड। विश्वजीत, आपने रिस्क टेकर्स की बात कही, क्या सिर्फ यंग लोगों को ही रिस्क लेना चाहिए और क्या उसकी एक कोई एज लिमिट होती है कि सिर्फ 30 तक या 35 तक या 40 तक आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको प्लानिंग करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर एज कोई फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा भी देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स, जैसे कि रिटर्न्स कम होती जा रही हैं और उनको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो रिस्क एक रिस्क हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो चलता है। ऐसा माना जाता है कि यंग एज हैं, अभी आप अर्न कर रहे हैं और आपकी आपकी बहुत सारी लाइफ बची है, थोड़ा बहुत अगर पैसा इधर उधर हो भी जाए तो आप उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कोई अगर रिटायरमेंट के करीब है, उसके पास सारे जीवन भर की जो उसकी सेविंग्स हैं, अगर वो गलती से इक्विटी में और वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट हो गया तो वो एक उसका सारा जीवन का बनाया हुआ सेविंग प्लान खराब हो सकता है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अगर आप रिटायरमेंट एज के करीब हैं तो डेट फंड्स में लगाएं जहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, काफ़ी मैनेजेबल होता है, और अगर थोड़ा सा आपके पास लंबी अवधि है, 5 से 10 साल की अवधि है, तो आप उसको इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अवधि पे भी डिपेंड करता है, आपके रिस्क प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, आप गोल अचीव करना चाहते हैं 3 साल बाद ही करना चाहते हैं, 4 साल बाद करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऑलराइट, और विश्वजीत, जब कोई अपना पोर्टफोलियो प्लान करता है या किसी ने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, ऐसा लगता है अब तो पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है, दैट मींस शायद उस टाइम पे कुछ मिस्टेक्स की होगी, तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो पोर्टफोलियो प्लान करते टाइम हो जाती है? बिल्कुल, जब पोर्टफोलियो प्लान करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं वी विल ट्राई टू टाइम द मार्केट, ऐसा लगता है कि हम आज मार्केट गिरी हुई है तो आज इन्वेस्ट करेंगे और जब मार्केट चढ़ जाएगी तो फिर हम निकाल लेंगे। तो मेरी सलाह यही रहती है, कभी भी मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट टाइम यू आर एंटरिंग द मार्केट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो जितना लंबे समय तक आप मार्केट में रहेंगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स रहेंगे। और दूसरी मिस्टेक देखी जाती है कि पोर्टफोलियो अगर बन गया तो हम उसको रिव्यू नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से हर 6 महीने या 1 साल बाद आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, कौन सी स्कीमें आपको अच्छा दे रही हैं, कौन सी स्कीमें रिटर्न्स नहीं दे रही हैं, तो हमें रिबैलेंस करना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम जब आती है कि कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी मार्केट ऊपर है, कभी डेट मार्केट ऊपर है, तो हमें एसेट एलोकेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करना चाहिए। तो अगर इक्विटी मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो, लेकिन हमें अपना एक्सपोजर कितना लेना है, यानी कि हमें पैसा उसमें सारा इक्विटी मार्केट में डालते जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा डेट मार्केट में भी डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जब से लगता है कि मार्केट डाउन जा रही है तो मैं अपनी SIP विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भाई मार्केट जा नहीं रही तो SIP बंद कर देता हूँ। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि SIP में निवेश किया हुआ है, किया तो था लंबे समय के लिए किसी गोल से लिंक करके किया था, लेकिन क्योंकि मार्केट डाउन जा रही है तो मैंने SIP रोक दी। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो SIP विड्रॉ कर लेते हैं, वो गलती करते हैं। तो हमें हमेशा SIP चाहे मार्केट गिर रही है चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, एक लंबी अवधि के लिए हमने एक प्लान में इन्वेस्ट किया है उसमें स्टिक करना चाहिए, और अपना जब तक गोल अचीव ना हो तब तक स्कीम चेंज कर सकते हैं, बने रहना चाहिए उसी एसेट क्लास में या इक्विटी में या डेट में। तो 100 बात की एक बात, डिसिप्लिन बेहद ही जरूरी है जब आप कभी भी निवेश कर रहे हैं, SIP के थ्रू ही निवेश कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस पूरे केस में। अब कॉमन मिस्टेक्स ना हो और आप फूल ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मली लोग कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे कि उनको परेशानी होती है, और ऐसा ना हो उसके लिए विश्वजीत क्या किया जाए?
बिल्कुल कॉमन देखा गया है कि बहुत सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। ये एक टिपिकल साइकोलॉजी है कि बैंक अकाउंट में हमारे 5-6 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसका हम 3-4% रिटर्न आ रही है, लेकिन टैक्सेबल इनकम है। तो ज़्यादातर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सलाह देते हैं कि आपका जो महीने का खर्च है उसका 2 महीने का खर्च आपके अकाउंट में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप लिक्विड फंड्स में निवेश करें, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगी और या किसी अपने गोल के हिसाब से आप निवेश करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ना जा रहने दें। दूसरा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारा पैसा एक ही स्कीम में या एक ही एसेट क्लास में ना लगाएं, जिसको हम कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कि अगर किसी दोस्त ने बोला है कि भाई इक्विटी फंड चल रहा है तो सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान पूरा बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उसके तहत ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा मेरे हिसाब से जो हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग इन्वेस्ट करते हैं बट बिना किसी गोल के, कोई एडहॉक बेसिस पे कि आज कोई स्कीम समझ में आई, आज कोई अखबार में ऐड देखा तो हमने निवेश कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए और अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाने के साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं तो बेहतर रिटर्न्स आने के चांसेस रहते हैं। विश्वजीत, अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि लोग जब टैक्स सेविंग प्लान करते हैं वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे करते हैं, बस फाइनेंशियली खत्म होने वाले, अब टैक्स सेव करना है, क्या करें, वो डेफिनेटली सही नहीं होता है। तो अभी से अगर टैक्स सेविंग प्लान करना शुरू करना है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसे डाल देते हैं, लगता है कि अरे अब तो टैक्स सेव करना है, कौन सी स्कीम में डाले, वो भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, तो उससे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें एनपीएस का भी एक अलग से एडवांटेज मिला है कि जहाँ पे पहले वैसे नॉर्मली हम अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, और उसके अलावा 50,000 रुपये हम एनपीएस में और निवेश कर सकते हैं। तो करीब 2 लाख रुपये की रकम आपको इन्वेस्ट करनी है और जो आखिरी महीना या 1-2 महीने जब रह जाते हैं तो ये 2 लाख रुपये एकत्रित करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना इंश्योरेंस लेना है। अगर लेना है तो हम आज से ही मेडिक्लेम ले सकते हैं, आज से ही लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं और हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे आपको वो चैलेंज ना आए। ईएलएसएस स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जो कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो कई बार हम जल्दी जल्दी में ऐसी स्कीम्स में निवेश कर देते हैं जिसका हमें सर पैर नहीं पता, गोल्स नहीं पता, और हम क्यों इंश्योरेंस ले रहे हैं ये भी नहीं पता, बट हमने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग, चाहे वो ईएलएसएस है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है जो कि 5 साल के लिए आपको निवेश करना पड़ता है, या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसमें कि आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग और हर महीने महीने आप उसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको प्रेशर ना हो। तो जल्दबाजी नहीं, लास्ट मोमेंट पे कोई चीज मत रखिए, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। और अगर आप थोड़ा ऑल्टर अपना प्लान करना चाहे, ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना चुके हैं तो आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं जो कि हमने इस पूरे शो के दौरान आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच विश्वजीत पराशर हमारे साथ मनी गुरु में इस तमाम चीजें डिस्कस करने के लिए। तो मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।